अब तेजस्वी यादव को ही सर्टिफिकेट देंगे क्या हम लोगों को, और उनका सर्टिफिकेट चाहिए कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। जनता जानती है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको जनता से कहाँ भेंट है। वो तो जब भी बिहार में कोई जरूरत और इस प्रकार की स्थिति आती है कि सार्वजनिक जीवन में किसी नेतृत्व का जरूरत है तो विपक्ष गायब होता है। ये तो यहाँ रहते विदेश रहते कहाँ रहते पता नहीं चलता। तो हाँ, खाद पर बात करिए तो मैं खाद पर बात करूंगा। अब तेजस्वी यादव की बात क्यों करने लगे, खाद की बात मैं करूंगा। खाद की कमी है, उससे कहां मैं इनकार कर रहा हूं, कभी मैंने इनकार नहीं किया कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन खाद की कमी है। और वो कमी इस कारण है कि कोरोना काल में शिपिंग बंद है, जहाज नहीं आ रहे हैं, तो जहाजों से जो बाहर से खाद आता था, जो इंपोर्ट होता था, लगभग 30-40% खाद उसकी आवक बंद हो गई। यहाँ का प्रोडक्शन कुछ बढ़ाया गया है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। आज के तारीख में बिहार में 2,00,000 मैट्रिक टन हम पीछे जा रहे हैं, और 2,00,000 मैट्रिक टन यदि खाद आज मिल जाए तो आज हम बिल्कुल नॉर्मल स्थिति हो जाएगी, सामान्य स्थिति हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन प्रखंडों में जहाँ छोटा रकबा है वहाँ का खाद उठा करके वहाँ ले जाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो रेक बाहर से आ रहे हैं वो जहाँ कमी है वहाँ हम भेजें। सब जिले में नहीं है, कुछ जिलों में ज़्यादा खेती हुई है, बड़े पैमाने पर वहाँ का रकबा भी अधिक है तो वहाँ पर डिमांड अधिक हो जाता है। तो वहाँ की कमी को कैसे हम पूरी करेंगे, उस पूरी करने में लगे हुए हैं। लेकिन इतनी हम गारंटी देंगे कि यूरिया के कमी के कारण उत्पादन 1/6 कमी नहीं आने देंगे।